यस सर, हाँ, यस स्क्रीन सर, स्क्रीन यस स्क्रीन सर, यस सर, प्रेजेंट करना रह गया था। ओके, ओके। तो नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर तो है, लेकिन थोड़ा अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ, क्या सबको मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये क्लियर है? यस सर, यस सर। यस खुशी जी, आपका चालू है कैमरा। ओके, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स मेरे ख्याल से सबको आइडिया है। यस सर, ओके, मेटल के कुछ एग्जांपल्स बताओ। सिल्वर, गोल्ड, सर आयन, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, बहुत बढ़िया। और बताओ। हाँ, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, है ना। यस सर, और चलो, अब मैं जिसको बोलूंगा वो बताएगा, ठीक है। अवंती जी बताइए कोई एक नॉन मेटल। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग. हेलो हेलो, क्लियर है? कह रहे सबको? यस सर, यस सर, बिल्कुल क्लियर. यस यस सर, सर। वॉइस अनक्लियर है थोड़ी? ओके, नो सर, नो क्लियर सर, है। इट इज क्लियर. नाउ नाउ इट सर इज नाउ क्लियर। इट इज क्लियर. ओके ओके, यार देखो, अगर जब भी थोड़ा वॉइस ऐसे ब्रेक कर रही हो ना, तो एक बार डिसकनेक्ट करके फिर से रिकनेक्ट करना। ओके okay? यस सर, ओके सर। हाँ, तो यस सर, अवंती जी बोलिए फिर, कोई एक नॉन मेटल का नाम बता। कार्बन, कार्बन. बहुत बढ़िया। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग. चलो मैं एक बार रिकनेक्ट करता हूं। हेलो हेलो, चेक माइक चेक। यस नाउ इट सर, इज नाउ क्लियर। यू आर क्लियर. ओके, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। कौन बोल रहा है? श्री रघुनंदन जी कौन बोल रहा था अभी? सर हाँ, मैं, थोड़ी बहुत कम है यार आवाज। यस सर, चलो, हाँ, तो गार्गी जी को हमने क्वेश्चन पूछा था, बताइए कोई एक नॉन मेटल। गार्गी जी बोलो। सर प्लास्टिक. अरे नॉन मेटल बेटा, तूने क्या बताया? कम, तूने तो सब्सटेंस बताया। कृष्णा राउत जी, आप बताइए नॉन मेटल। सर जिंक, नहीं बेटा, गलत। नॉन मेटल सर नहीं, मैं जिसको पूछूंगा वही। सची डोंगरे जी बताइए नॉन मेटल। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ओके। स्वरांजलि बेटा बता, और नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया। मालधुरे जी बताइए। सर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, करेक्ट। सर कैनाडेल, नहीं, तेरा हो गया ना बेटा अभी। देवांश बता रहे,
सर हीलियम। हीलियम। ओके करेक्ट। ये बेस्ट मैथ ट्रिक कौन है रे बेटा? सर मैं अरे मैं का क्या मतलब, नाम सर बता। आर्यन। तो यार ये तेरा नाम रिनेम कर ले ओके, क्योंकि जब अटेंडेंस होगी ना फिर तुझे अब्सेंट मार्क किया जाएगा, तो इसलिए तेरा जो ओरिजिनल नाम है वही लिखो। मैथिली बता। नॉन मेटल प्रॉस्परस। फॉस्फरस। चलो बढ़िया ओके। और फिर हाँ आदित्य जी, क्या आपको पता है तीसरा टाइप क्या रहता है एलिमेंट का? मिक्सचर। नहीं रे बेटा गलत है। कौन बता सकता है? सर्वज ने बता। मेटलॉइड। मेटलॉइड्स। करेक्ट। सर मैं बताऊं। अरे बता दिया ना उसने। तो देखो लिखो अब साथ में, एलिमेंट्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स। सर योर स्क्रीन शेयरिंग इज नॉट विजिबल। अरे सॉरी सॉरी। हाँ एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स राइट, मेटल्स, नॉन मेटल्स और तीसरा मेटेलॉइड्स। मेटलॉइड्स। बहुत बढ़िया। तो इसके अपन अपन जितने भी तुमको एग्जाम्पल्स याद है वो लिख लो। जैसे मेटालॉइड्स के तो मैं बता देता हूं ठीक है। मेटालॉइड्स तो ब सी गे अस सब टी पो। ओके ब सी गे अस सब टी पो लिख लो सब लोग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो मेटोलाइट का थर्ड एग्जाम्पल जी सी दिखाए या जी ई दिखाए। जी ई लिखा है बेटा। इनके नाम भी अपन लिख लेते हैं है ना, ताकि अपने को याद रहे, क्योंकि एलिमेंट्स अभी जनरली पता नहीं रहते हैं। ब्रॉन्स। दिस इज बोरॉन। ब्रॉन्ज मेटल नहीं है सिल्वर। रे, ब्रॉन्ज इज नॉट एन एलिमेंट। कृष्णा मेटल। देख मेरे नाम के ऊपर क्लिक करो, पिन कर दे ठीक है। विक्रम खेतान करके लिखा होगा ना वहां पर, उसके ऊपर क्लिक करो तो दिखेगा। फिर दिख रही है स्क्रीन? ओके तो हम लोग नाम लिख लेते हैं। देखो बोरॉन, फिर ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, दिस इज एंटीमनी, ओके टेल्यूरियम, एंड पोलोनियम। बाकी फिर हम लोग इसके भी एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं ताकि याद रहे हमको। नॉन मेटल्स काफी लोगों को अभी भी याद नहीं है। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस है ना, हीलियम, क्लोरीन।
क्लोरीन सही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सब आ जाएंगे। मेटल्स जनरली सबको पता रहता है, सोडियम, हाँ, एल्यूमिनियम। बोलो। सर डायमंड इज मेटल और नॉन मेटल? डायमंड इज एक्चुअली नॉट एलिमेंट, ओके। डायमंड इज एक्चुअली, मतलब डायमंड होता वैसे कार्बन है, लेकिन अपन डायमंड को मेटल नॉन मेटल नहीं बोलते हैं। ओके सर। सर इसमें और एक फोर्थ कैटेगरी भी रहती है ना? हाँ इसमें और एक फोर्थ कैटेगरी भी रहती है ना? यार, तेरा आवाज नहीं आ रहा बेटा। सर इसमें फोर्थ मैनमेड मेटल्स भी और रहते हैं ना? नहीं रे, अपन इसमें मेनली तीन ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ज्यादा अपन कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ मेटल्स के एग्जांपल्स, कुछ नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स। लिख लिया है सबने? यस सर। यस सर। चलो ओके, अब मुझे बताओ, क्या ये तुमको एलिमेंट्स के नाम याद है क्या? एने कौन सा एलिमेंट है? सोडियम। सोडियम। एजी कौन सा रहता है? एजी, सिल्वर। एजी इज सर सिल्वर। 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 हाँ, एयू गोल्ड। 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 आराम। उसके बाद एफई कौन सा है? आयन। आयरन। आयन। 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 आयरन। फिरो। फिरो। ओके चलो, बढ़िया। मतलब एलिमेंट्स याद है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके गुड। चलो, तो ये है हमारे बेसिकली एलिमेंट्स के टाइप्स, है ना। तो अब हमको क्या करना है, देखो, हमको पढ़ना है आयनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब क्या है कि हम लोग आयन्स का देखने वाले हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, तो देखो, आयन्स जो है, आयन्स के भी दो टाइप्स होते हैं। ओके, ये आयरन से अलग है, ठीक है ना, दिस इज आयन। तो आयन के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है कटायन और एक होता है अनायन। कटायन एंड अनायन, ठीक सर योर है। वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ, हेलो हेलो, सर योर वॉइस इज क्लियर। सर इट इज क्लियर। ओके, देखो अपने आप क्लियर हो जाती है बेटा, वेट फॉर जस्ट, है ना। तो देखो, कटायंस का मतलब क्या होता है? ऐसे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और अनायंस का मतलब क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज वाले। पॉजिटिव चार्ज वालों को क्या बोलेंगे? कटायन। अनायन। और निगेटिव चार्ज वालों को अनायन। अनायन, है ना। बहुत बढ़िया।
जैसे इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं। देखो अगर मान लो Na है, Na के ऊपर अगर प्लस वन चार्ज आ गया तो ये हो गया कटायन। कैल्शियम के ऊपर अगर प्लस टू आ गया दिस इज कटायन। एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस थ्री आ गया कटायन। समझ में आ रही है बात कि कौन से कटायन्स होंगे? पॉजिटिव चार्ज वाले लोगों को अपन बोलेंगे कटायन। बहुत बढ़िया। और इधर देखो, इधर बात करते हैं अपन निगेटिव, निगेटिव वाले चार्ज, जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा उनको क्या बोलेंगे? अनायन। ओके, क्लियर है सबको? देखो यस सर। तो कटायन और अनायन सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके लिख लो इसको। लिख लिया सबने? यस सर। नहीं सर। यस सर। यस सर। साथ साथ में लिखते रहो। सर आयोडीन का क्या है? क्या सर आयोडीन का एनायन के ऊपर वो क्या है? माइनस लिखा है, मतलब माइनस वन। हाँ सर, कैन यू स्क्रॉल अप? यस सर। सर ये क्वेश्चन लिखना है। हाँ देखो, एक पहला मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है? ओके सर। जैसे हमको बोला हुआ है, लेट्स से हमको बोला है कि बीई। ओके, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये टाइप क्या हो जाएगा? देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो टाइप क्या हो जाएगा इसका? दिस इज एन एलिमेंट। यस सर। और इसका नाम क्या है एलिमेंट का? बेरियम। बेरियम। यही अगर मैंने इस तरह से लिखा होता कि लेट्स से Li प्लस
तो इसका टाइप क्या हो जाता सर? कैटायन। कैटायन यस। और नाम? लिथियम। लिथियम, चलो बहुत बढ़िया। तो इस तरह से अपने को आइडेंटिफाई करना है। ओके यस सर। सर कैन यू स्क्रोल अप? दिख रहा है? यस सर। सर डन। हाँ हाँ ठीक है सर डन। व्हाट इज चार्ज? ओके ठीक है, बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है जिनका जिनका हो गया वो लोग चैट में डन लिखना है। ओके चलो गुड, बढ़िया बढ़िया। तो अपन एक काम करेंगे, मैं जिसको पूछूंगा सिर्फ वही आंसर देगा, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। ए सीधा सीधा ही स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है? आदित्य बता बेटा, टाइप क्या आ रहा है थर्ड का? सर एलिमेंट। बढ़िया, दिस इज एलिमेंट। अनघा नेम बता। पोटेशियम। बहुत बढ़िया, दिस इज पोटेशियम। अवंती फोर्थ का बता। एलिमेंट। एलिमेंट, गुड गुड। मैथ ट्रिक वाले जी कौन है? आर्यन जी नेम बताइए। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, गुड। देवांश नेक्स्ट बता। सर एनायन। एनायन, गुड।
और नेक्स्ट कौन है? देवश्री, नाम बताओ। सर ब्रोमाइड। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड? अच्छा, हमको हाँ एलिमेंट का नाम पूछा है तो हम लोग ब्रोमीन लिखेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ नेम ऑफ एलिमेंट बोला है अपने को तो एलिमेंट का लिख देंगे अपन, ठीक है? चलो नेक्स्ट कौन है? गार्गी। एनायन। गुड, दिस इज एनायन। जयेश। सल्फर। सल्फर, चलो बढ़िया। खुशी। सर कटायन। तेरा नाम क्या है बेटा? सर मेरा नाम सार्थक है, मैंने इससे लॉगिन किया है इसलिए वो आ रहा है। ठीक है, तो सार्थक जी ने आंसर दिया कटायन, बढ़िया। कृष्णा नेक्स्ट बताओ, नेम बताओ, नेम। कृष्णा होले जी, नाम बताइए। हेलो कृष्णा जी, नहीं है। नेक्स्ट कौन है? कृष्णा राउत। सर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, बहुत बढ़िया, गुड। चलो और थोड़ा सा करते हैं अपन। सी एस। अरे कृष्णा एक बार रिकनेक्ट कर। आर्यन अभी नहीं बेटा, क्लास होने के बाद करना फिर। ओके ओके सर।
चलो तो कहां तक हो गए थे हमारे, कृष्णा राउत तक हो गया था है ना। मैथिली बता, एट्थ का क्या आएगा? अनायन। अनायन, गुड। और नेक्स्ट कौन है? नितिन जी। नितिन नाम क्या है बेटा? आवाज आ रही है क्या? रेवा बता। सर नाइट राइड। ओके, नाइट्राइड। तो तूने उसका नाम बता दिया, ठीक है ना। एलिमेंट का नाम क्या है? नाइट्रोजन। ओके चलो, सची बता। नेक्स्ट, सर एलिमेंट। एलिमेंट, गुड। सर्वज्ञ बता रहे भाई नाम। सर्वज्ञ नाम बता। हाँ कैसियम हाँ कैल्शियम नहीं, दैट इज सीजियम। ओके सीजियम। ओके नेक्स्ट, श्री रघुनंदन जी। सर कटायन। कटायन, चलो बढ़िया। स्वरांजलि। आयन। आयरन, चलो बढ़िया। खत्म हो गए क्या लोग? चलो तो नेक्स्ट इज अनायन। अनायन सर। सर अनायन। आयोडीन। आयोडीन। आयोडीन, सर जिंक। कटायन। कटायन। जिंक। सर सर कटायन से। उल्टा हो कटायन। गया। कटायन जिंक। कटायन, कटायन जिंक। 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 एलिमेंट हाइड्रोजन। एलिमेंट हाइड्रोजन। एलिमेंट एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। एलिमेंट एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अनायन अनायन ऑक्सीजन। अनायन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अनायन अनायन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। चलो गुड गुड, बढ़िया। तो मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर हो गया है कि कौन कटायन है, कौन अनायन है ना। यस सर। यस सर। चलो यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा उसके बाद देखो, हम थोड़ा सा अब एटम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एटम मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा सबको पता होगा। एटम इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियस, हाँ, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, देखो, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस हाँ न्यूक्लियस। एंड शेल्स, ठीक है ना। न्यूक्लियस रहता है और शेल रहता है। यस सर। न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। हाँ, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट न्यूट्रॉन्स आल्सो देयर ना। न्यूट्रॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस। सर लिखते सर जाने। हाँ लिखते जाओ साथ में। सर हाँ हाँ बोल सर न्यूक्लियस में न्यूक्लॉन्स भी होते हैं ना। यार। ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना, उनको ही न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अच्छा रिटर्न।
न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन डिफरेंट शेल्स। शेल्स को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं। ओके, क्लियर है? यस सर। चलो तो देखो, अब होता क्या है कि अगर इसका हम स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करेंगे तो अंदर क्या दिखाएंगे अपन? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और बाहर क्या रहेगा? इसको अपन बोल देते हैं शेल्स। यस सर। है कि नहीं? यस। तो ये जो अंदर का पार्ट है इसको अपन क्या बोल देंगे? न्यूक्लियस। और यहां पर क्या रहेंगे हमारे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस शेल में जैसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे तो इसको अपन बोल देते हैं शेल या फिर ऑर्बिट। और ये है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। लिख लो इसको। ओके डन। चलो ठीक है, तो अब देखो होता क्या है कि प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज सबको पता है क्या क्या रहता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिविटी। तो प्रोटॉन्स हैव, हाँ, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। और देखो प्रोटॉन्स क्या होते हैं कि वो हमें न्यूक्लियस के अंदर है वो, तो जो भी कुछ होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा, क्योंकि प्रोटॉन्स क्या है? न्यूक्लियस के अंदर छुपे बैठे हैं, तो उसको अपन अंदर बाहर नहीं कर सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा कर सकते हैं, बराबर? Yes, sir. Yes, sir. अगर देखो थोड़ा सा इजी है, मान लो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा है? निगेटिव चार्ज है। Yes, sir. तो अगर हमने मान लो किसी न्यूट्रल में, जैसे ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ये क्या है? न्यूट्रल है। अगर मान लो इसमें हमने इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो क्या हो जाएगा? माइनस Fe-। आयरन के ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस वन आ जाएगा चार्ज, बराबर? यस सर। मान लो अपने पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हमने दो इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, O2।
ओ माइनस टू माइनस ऊपर माइनस टू चार्ज आ जाएगा ओ माइनस टू समझ में आ रहा है क्या Yes, sir. इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अनायंस आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समझ में आया यहाँ पर यहाँ तक सबको yes, sir. और अब मान लो अगर मुझे कटायन बनाना रहा तो क्या हो जाएगा बताओ सर वी हैव टू ऐड सर वी हैव टू ऐड ऐड प्रोटॉन्स अरे हाँ तो अभी देखो अभी मैंने वही तुमको बताया हम लोग प्रोटॉन्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो हम लोग क्या sir, कर सकते हैं हाँ इलेक्ट्रॉन्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपन एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा प्लस वन चार्ज आ जाएगा आयरन से अगर हमने दो इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हो जाएगा आयरन प्लस टू हो जाएगा एल्यूमिनियम से हमने तीन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए तो क्या बनेगा एल्यूमिनियम प्लस थ्री समझ में आया यहाँ तक यस सर तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं देखो ये कटायंस बन गए हैं सारे बराबर यस सर तो कटायंस कैसे फॉर्म होंगे बताओ सब्ट्रैक्शन तो क्या हो जाएगा थोड़ा मैथ्स का टर्म है तो अपन बोलते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डन सर सर वेट टू मिनट्स सर डन सर डन
सर हाँ सर हमें क्वेश्चन नंबर 5 में उसका चार्ज लिखना है ना। हाँ ओके सर। ओके डन है सबका। यस सर। यस सर। क्या हो गया, किसको डाउट है बेटा? कृष्णा सर्वज्ञ नो डाउट? नो डाउट सर। नो सर। ओके सार्थक तूने हाथ ऊपर किया है बेटा, कुछ डाउट है क्या? मैथिली यस सर। लास्ट के 3 क्वेश्चन समझ नहीं रहे। देखो ये एक्चुअली मैंने उल्टी तरफ लिख दिया है ना, जैसे अपन देखो जैसे मैथ्स में तुमने सीखा होगा कि अगर इक्वल टू है, मैथ्स में तुमने ये सीखा है क्या, x प्लस 2 इक्वल टू 7, तो अगर इस तरफ प्लस 2 है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो सेम है यहाँ पर, अगर मान लो ऐसा गिवन है कि y माइनस 3 इक्वल टू 4, तो इधर का माइनस 3 इधर जब जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस 3 प्लस हो जाएगा। तो सेम लॉजिक यहाँ पर है, एरो को अपन इक्वल टू साइन की तरह मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? देखो एक मैं करके बता देता हूं, मान लो फिफ्थ का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं Fe माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, तो आयरन में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या बनेगा, Fe प्लस 3 प्लस 3 बन जाएगा, Fe प्लस 3। समझा क्या सबको? यस सर। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा माइनस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 समझा क्या सबको? यस सर।
यस सर क्लियर है सबको पक्का यस सर यस सर नो डाउट नो डाउट नो डाउट चलो ठीक है तो आज हम लोग इतना ही करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाय सर बाय सर बाय सर बाय गुड नाइट सबको गुड नाइट सर